वेलकम टू माय चैनल ये ग्राम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वर्जिन कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स, साथ ही आपको बताऊंगी मैक्स केयर वर्जिन कोकोनट ऑयल का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेगुलर कोकोनट ऑयल और वर्जिन कोकोनट ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। रेगुलर कोकोनट ऑयल आपका ड्राई कोकोनट से बनाया जाता है और इसके प्रोसेस में जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। भले ही वो आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर आप बेनिफिट पाना चाहते हैं अपने कोकोनट ऑयल से तो आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कोकोनट मिल्क से बनाया जाता है और इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे से प्रिजर्व किए होते हैं। और जब आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो वो आपके बालों की जड़ों में जाके आपके बालों को मजबूती देने का काम करते हैं। अब मैंने जो कोकोनट ऑयल लिया है यहाँ पर, ये है मैक्स केयर वर्जिन कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड। अब आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंट बॉटल है 250 ml की, जो 220 rupees में मिलती है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर सा है और बहुत ही जो है वो लाइट वेट है, बहुत ही थिन जो है वो कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जो कि हमारे रेगुलर कोकोनट ऑयल में आपको देखने के लिए मिलता है कि आप थोड़ा सा भी लगा दो तो ऐसा लगेगा कि बाप रे कितना ज़्यादा चिपचिपा हो गया है सर, और फिर बाद में जो है वो ऑयली जो है वो हो जाती है स्किन भी उसकी वजह से। बट आपका जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है बहुत ही अमेजिंग है, और साथ ही इसका ये एक अच्छा बेनिफिट है कि गर्मियों में आप इसे अगर आप अप्लाई करते हो तो बिल्कुल भी चिपचिपापन महसूस नहीं होगा। भले ही आपकी कितनी ही ऑयली स्किन हो, अगर आप अपने बालों पे इसे लगाएंगे थोड़ा सा, मतलब रेगुलर यूज़ भी अगर आपको करने की आदत है, बालों की जो है वो सिरे पे लगाने की आदत है आपको रेगुलरली, तब भी जो है आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन महसूस नहीं होगा। बालों की जड़ों में तो आपको हफ्ते में 2 ही बार तेल को अप्लाई करना है, पर अगर मेरे जैसा हेयर टेक्सचर है आपका, देखिए मेरा जो है वो डैमेज और फ्रिजी जो है वो बाल है मेरे, ऐसे कहीं कहीं से जो बेबी हेयर उठ गए हैं और जो है वो बहुत ही ड्राई टेक्सचर है, तो मुझे जो है मेरे बालों पे भले ही जड़ों में नहीं पर इनके सिरों पे जो है वो रोज़ हेयर ऑयल अप्लाई करना पड़ता है। पर रेगुलर हेयर ऑयल, कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ करने से ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये वाला कोकोनट ऑयल यूज़ करना शुरू किया है मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो 220 rupees में ये 250 ml की बॉटल बहुत ही बढ़िया जो है वो एक डील है। साथ ही इसकी शेल्फ़ लाइफ है 3 years, 2023 से लेकर 2025 तक जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉटल है इसलिए जो है वो कितनी ख़त्म हो गई ये भी आपको पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे यूज़ करना, अप्लाई करना जो है एकदम ईजी है। अगर आपको हेड मसाज देना है हफ्ते में 1 या 2 बार तो आप इसे थोड़ा सा जो है वो गुनगुना कर लीजिए, और फिर बाद में अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही आप अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो वाइटामिन ई की कैप्सूल हो गई, आपका कड़ी पत्ता हो गया, मेथी दाना हो गया, ये सारी चीज़ें भी जो है वो आप इसमें मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आपको जो है वो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद मैंने हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो बनाया है। तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।